न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। धननगर समाज अनुसूचित जातियों का हिस्सा नहीं है, नासिक सीट के लिए टिकट की दौड़ से हट रहा हूँ, 400 पार के जाल में फंसा विपक्ष। धननगर समाज अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं है, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र के धननगर में अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण देने मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुको ने आज यह स्पष्ट करते हुए इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला सही है, इसमें से हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने धनगर समाज की याचिका ईरान मशरी को सौंप दी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नासिक सीट के लिए टिकट की दौड़ से हट रहा हूँ, भुजल। मुंबई का राकंप अजित गुट के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री छगन भुजल पल के शुक्रवार को कहा कि उन्होंने नासिक लोकसभा क्षेत्र में टिकट नहीं मांगने का फैसला किया है, ताकि सहयोग दल शिवसेना की भी पसंदीदा मानी जाने वाली एक सीट को लेकर जारी गतिरोध थम गए हैं। नासिक लोकसभा क्षेत्र में मौजूद सांसद हेमंत गोडसे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व वाली शिवसेना से छगन भुजल ने कहा है कि सत्तागढ़ सभागृह दल शिवसेना और भाजपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के दौरान संपा के प्रमुख एवं उपचेतक अजित पवार रिटिक उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने नासिक सीट पर अपनी दावेदारी पेश की थी। अजित पवार ने कहा था कि इस क्षेत्र में उनकी पार्टी के विधायक की संख्या अधिक है। छगन भुजल ने कहा है कि जब हमें उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो पूर्व सांसद समीर भुजल का नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, भले ही मैं टिकट नहीं मांगता था। भुजल ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिंदे ने इस सीट की मांग की क्योंकि मौजूद सांसद उनकी पार्टी से है। उन्होंने कहा है कि 3 सप्ताह तक इस संबंध से कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 400 पार के जाल में फंसा विपक्ष। नई दिल्ली भाजपा के अब की बार 400 पार का नारा। भाजपा ने अब की बार 400 पार का पत्ता फेंक कर विपक्ष दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। सत्ता पक्ष की ओर से फेंके गए इस जाल में विपक्ष खुद ब खुद फंसता चला रहा है। एनडीए के 400 सीट जीतने का दावा कितना सटीक बैठता है यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के भाजपा के 400 पार के नारे को इतनी बार दोहराया कि अब यह चुनाव मुद्दा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के बताया जा रहा है कि भाजपा भी खुद जानता है कि 400 सीटें जीतने के लिए 1928 जैसी लहरें चाहिए, उसमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था पाकिस्तान, जब सर्जिकल स्ट्राइक थी। मोदी सरकार ने वह कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। बावजूद इसके भाजपा अपने सर्जिकल उच्चैन 303 सीटों तक नहीं पहुंच पाई थी। वर्तमान तो ऐसा कोई मुद्दा भाजपा के पास नहीं था। अब आप हमारे निशान को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।